दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने Samsung Galaxy जैसे भी नेक्स्ट में गेम लॉन्चर ऐप को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसे कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवास मजी और आप देख रहे हैं वीवूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में अभी गेम लॉन्चर जो ऐप है वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेम लॉन्चर जो ऐप है वो नहीं है। और मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि इसे आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे पास अभी Samsung Galaxy J7 Next है और इसमें कैसे एक्टिवेट किया जाता है गेम लॉन्चर ऐप को, पूरा प्रोसेस आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है एडवांस्ड फीचर्स। आप इस ऑप्शन को फाइंड कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। एडवांस्ड फीचर्स में आने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे गेम लॉन्चर एक ऑप्शन मिलेगा, इसके साइड में एक बटन है, इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको क्या होगा, गेम लॉन्चर जो ऐप है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेम लॉन्चर जो ऐप है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन पर गेम लॉन्चर ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहे इसे डीएक्टिवेट करना तो फिर से इस ऑप्शन पे आना है सेटिंग्स, फिर एडवांस्ड फीचर्स में और इसे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद अगर आप फिर से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे गेम लॉन्चर जो ऐप है वो नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आप अपने Samsung डिवाइस पर गेम लॉन्चर ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि गेम लॉन्चर ऐप का यूज़ करके आप कैसे गेमिंग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी गेम लॉन्चर ऐप को एक्टिवेट, तो इस प्रोसेस का यूज़ करके एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने गेमिंग स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाकी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।